वेलकम टू एसपी स्मार्ट हाइब्रिड स्कूलिंग सिस्टम। आज हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड। लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था हमने क्वेश्चन नंबर वन एक्सरसाइज 2.4 का। ओके, क्वेश्चन नंबर सेकंड ये बोल रहा है, यूज द फैक्टर थ्योरम टू डिटरमाइन वेदर जी एक्स इज ए फैक्टर ऑफ पी एक्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। क्वेश्चन में यह बोला जा रहा है जी एक्स जो है वो किसका फैक्टर है, पी एक्स का है या नहीं है, ये मुझे बताना है। आपको पता है रिमाइंडर थ्योरम क्या बोलती थी, पी ऑफ ए इक्वल टू किसके इक्वल होता है, आर के इक्वल होता है। अगर रिमाइंडर पी ऑफ ए मिल जाता है तो फैक्टर थ्योरम में बोलते थे पी ऑफ ए किसके इक्वल होता है, ज़ीरो के इक्वल होगा। अगर ये ज़ीरो के इक्वल होगा तो हम बोलेंगे जी एक्स इज़ द फैक्टर ऑफ पी एक्स। चलिए, पी ऑफ एक्स हमें दिया हुआ है 2x³ प्लस x² माइनस 2x माइनस 1। जी ऑफ एक्स हमें दिया है एक्स प्लस 1। पुटिंग एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0, एक्स इक्वल टू माइनस 1। यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम, यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम व्हेन पी ऑफ एक्स इक्वल टू 2x³ प्लस x² माइनस 2x माइनस 1 इज डिवाइडेड बाय जी ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 1, रिमाइंडर इज गिवन बाय पी ऑफ माइनस 1। अब ये पी ऑफ माइनस 1 पुट करेंगे पी एक्स में, पी ऑफ माइनस 1 इक्वल टू 2 इंटू माइनस 1 का क्यूब प्लस माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू माइनस 1 माइनस 1। 2 माइनस 2 हो जाएगा क्योंकि माइनस 1 की क्यूब वैल्यू क्या होगा, माइनस 1 होगा, प्लस माइनस 1 का स्क्वायर क्या होगा, 1 होगा। प्लस 2 माइनस 1, ये माइनस 1 प्लस 1 कैंसिल, 2 माइनस 2 कैंसिल, तो आंसर क्या आया, 0। पी ऑफ माइनस 1 इक्वल टू 0, देयरफॉर जी ऑफ एक्स इज ए फैक्टर ऑफ पी एक्स। ये था हमारा फर्स्ट पार्ट। अब चलते हैं सेकंड पार्ट पे। अब हमें बोल रहा है जी ऑफ एक्स क्या है, सेकंड पार्ट में भी यही बोल रहा है कि हमें ये प्रूव करना है कि ये इसका फैक्टर है या नहीं है। तो पी ऑफ एक्स इक्वल टू x³ 3x² 3x प्लस 1, जी ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 2, पुटिंग एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0, एक्स इक्वल टू माइनस 2। यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम, व्हेन पी ऑफ एक्स इक्वल टू x³ प्लस 3x² प्लस 3x प्लस 1 इज डिवाइडेड बाय जी ऑफ एक्स एक्स प्लस 2 रिमाइंडर इज गिवन बाय
पी ऑफ माइनस टू, पी ऑफ माइनस टू इक्वल टू माइनस टू होल क्यूब, थ्री इंटू माइनस टू का स्क्वायर प्लस थ्री इंटू माइनस टू प्लस वन। माइनस एट प्लस सिक्स प्लस ट्वेल्व, माइनस सिक्स प्लस वन। इसको सिंप्लीफाई करने के बाद वैल्यू आती है माइनस एट माइनस सिक्स माइनस फोर्टीन प्लस ट्वेल्व माइनस माइनस टू प्लस वन, आंसर इज माइनस वन। देयरफोर पी ऑफ माइनस टू इज नॉट इक्वल टू जीरो। सिंस जी ऑफ एक्स इज नॉट ए फैक्टर ऑफ पी एक्स। चलिए थर्ड पार्ट पे, अगेन वही बोल रहा है हम जो हमें फैक्टर थ्योरम का यूज करना है, जी एक्स बताना है कि पी एक्स का फैक्टर है या नहीं है। तो पी ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब फोर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस सिक्स, जी ऑफ एक्स एक्स माइनस थ्री, पुटिंग एक्स माइनस थ्री इक्वल टू जीरो, एक्स इक्वल टू थ्री। यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम, यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम व्हेन पी ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस फोर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस सिक्स इज डिवाइडेड बाय g ऑफ x इक्वल टू x माइनस थ्री, रिमाइंडर इज गिवन बाय, रिमाइंडर इज गिवन बाय p ऑफ थ्री, देन p ऑफ थ्री इक्वल टू थ्री का क्यूब माइनस फोर मल्टीप्लाई थ्री का स्क्वायर प्लस थ्री प्लस वन, ट्वेंटी सेवन थर्टी सिक्स, थ्री थ्री ज़ा नाइन, नाइन फोर ज़ा थर्टी सिक्स प्लस थ्री प्लस वन, प्लस सिक्स सिक्स सिक्स, ट्वेंटी सेवन थर्टी माइनस थर्टी सिक्स प्लस सिक्स, थर्टी सिक्स माइनस थर्टी सिक्स, तो आंसर इज क्या आया, जीरो। पी ऑफ थ्री इक्वल टू जीरो, देयरफोर जी ऑफ एक्स इज ए फैक्टर ऑफ पी एक्स। ये था आप लोगों का क्वेश्चन नंबर सेकंड। नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर थर्ड डिस्कस करेंगे। थैंक यू।